हेलो एवरीबॉडी, सबको मेरी तरफ से राम राम, जय हिंद। आज हम सीखने वाले हैं वॉइस चेंज, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। नॉर्मल सेंटेंसेस में जिसको हम इंग्लिश का रूल थंब रूल बोलते हैं, हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस ऑफ इंग्लिश। जब आप सब्जेक्ट को एक्टिव रखते हैं और ऑब्जेक्ट सिर्फ यहाँ पर साइलेंट होता है, ऑब्जेक्ट को कोई प्रेफरेंस नहीं दी जाती है। ऑब्जेक्ट इज द साइड हीरो एंड सब्जेक्ट इज द हीरो ऑफ द फिल्म। पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट को लीड रोल में लाते हैं और सब्जेक्ट को लास्ट में ले जाते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर साइलेंट होता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर फिल्म का हीरो होता है। इसी को कहते हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। सिंपल रूल, कोई वो नहीं, कोई टेक्निक नहीं, अभी हम टेक्निक में नहीं जा रहे हैं। इसके बाद हमने दो टेंस सीखे हैं। पहला टेंस हमने सीखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपको जितनी भी वीडियोस हैं इससे रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड, सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इसके साथ जो नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा होगा उसमें सब पे क्लिक करिएगा और सारी वीडियोस को ध्यान से देखिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल्स हम पढ़ चुके हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये तीनों टाइप के सेंटेंसेस हमने किए थे। अब हम इन तीनों टाइप के सेंटेंसेस को वॉइस चेंज करके लिखेंगे। चलिए देखते हैं, इसकी हम वॉइस चेंज करने की कोशिश करते हैं। अब चलिए, ऑब्जेक्ट को हमने हीरो बनाना है। ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस है, यहाँ पर हम लगाएंगे इज एम आर। ये जो इज एम आर है, इट विल बी अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट की कंपैटिबिलिटी। ऑब्जेक्ट की कंपैटिबिलिटी डिसाइड करेगी इज एम आर में क्या आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। बिल्कुल सही, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां आते हैं, सेम रूल, ऑब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट की जगह अब हम लगा देंगे इज नॉट, एम नॉट या आर नॉट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। आई होप आई एम क्लियर। अब हम आते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे। यहां पर इंटेरोगेटिव बनाना है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब बदल जाएंगी, इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट यहां आ जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। चलिए एग्जाम्पल करते हैं। राम गाना गा रहा है, नहीं, राम गाना गाता है। राम गाना गाता है। राम सिंग्स अ सॉन्ग। अब हम इसकी वॉइस चेंज करते हैं। चलिए, रूल क्या कहता है, ऑब्जेक्ट इज सपोज टू बी मेड द सब्जेक्ट अ सॉन्ग। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, तो हम लगाएंगे इज एम आर। बताइए सॉन्ग के साथ क्या आ जाएगा, इज, एम आर की जरूरत नहीं है। और सॉन्ग इज वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग, सैंग, संग। अ सॉन्ग इज संग बाय राम। आई होप आई एम क्लियर। चलिए अगला सेंटेंस में और ज्यादा क्लियर होगा। मम्मी खाना बनाती हैं। मम्मी खाना बनाती है। मम्मी की इंग्लिश बहुत तरीके से होती है। मम्मी इज अ वाइड टर्म, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन एनी काइंड ऑफ लैंग्वेजेस। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आर मॉम्स। मम्मी खाना बनाती हैं, मदर कुक्स फूड, दैट्स इट। अब हो गया ट्रांसलेशन। अब हम करते हैं इसकी वॉइस चेंज। अब हम बनाते हैं इसका पैसिव वॉइस। फूड इज कुक्ड बाय द बाय मदर। इन केस मदर के साथ कुछ है द मदर, तो आप वहां भी लगाएंगे बाय द मदर। इन केस इट्स योर मदर, ऑब्वियसली इट्स सपोज टू बी द मदर। इन केस इट्स एनी मदर, देन लीव इट, वी डिस्कस इट लेटर ऑन हाउ डू वी यूज ए एन द। चलिए उसके बाद, शाम फुटबॉल खेलता है। इसको हिंदी में देखिए ट्रांसलेट कर, पैसिव वॉइस अगर मैं इसकी बनाऊंगी तो क्या बनेंगे, फुटबॉल शाम द्वारा खेला जाता है, ये इस तरीके से बनता है। अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, शाम
प्लेज फुटबॉल, फुटबॉल इज प्लेड बाय श्याम. आई होप आई एम क्लियर. इन केस ऑफ एनी डाउट काइंडली कमेंट. आपको अगली डिस्क्रिप्शन में मैं ज़रूर एक्सरसाइज देने की कोशिश करूंगी जिसको आप प्रैक्टिस करेंगे. अगर आपको कोई डाउट होगा तो हम ये सेशन दोबारा कर सकते हैं. प्लीज़ लेट मी नो एंड कमेंट. थैंक यू सो मच. बी नॉलेजेबल, बी पावरफुल.